अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुनाफिकों की तीन निशानियां हैं। पहला कि वो जब बोले झूठ बोले, दूसरा जब वो कोई वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और तीसरा कि जब उसके पास कोई अमानत रखाई गई हो तो वो अमानत में खयानत करे। खुशामदीद मौजीज नाज़रीन, आप तमाम का AS न्यूज नेटवर्क में इस्तकबाल है। नाज़रीन, इंसान चाहे कितने ही गुनाहों के दलदल में क्यों ना फंसा हो, चाहे जमाने की दौड़ में कितना ही आगे निकल गया हो और फिर उसकी कामयाबी आसमान की बुलंदियों तक क्यों ना पहुंच चुकी हो, फिर भी हर इंसान खुदा के ही ताबे रहता है और अगर अल्लाह चाहे तो पल भर में किसी को भी कुछ भी कर सकता है। इसके दिलो दिमाग को इस दुनिया की चकाचौंध और हराम कामों से फेर सकता है और वाहिद एक अल्लाह ही की जात है जो कि इंसान के दिल को फेर सकता है और उसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा पैदा कर सकता है। हमें कई ऐसी मिसालें देखने को मिल सकती है जहाँ कई लोगों ने हराम तरीके से इज्जत, नाम, दौलत और शोहरत पाने के बाद इन तमाम हराम चीजों से तौबा कर ली और बिल्कुल शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फैसले पर इस्तेकामत रखे हुए हैं। सना खान, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारा नाम और पैसा कमाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने सना खान के दिल को हराम दुनिया की चकाचौंध से एकदम से फेर दिया और सना को नेक हिदायत बख्शी। इसी तरह जुनेद जमशेद, जो कि अपने जमाने के एक बेहतरीन और उभरते हुए सिंगर थे, उन्होंने भी इस बात की हकीकत को महसूस किया कि हराम काम में कभी भी किसी इंसान की भलाई नहीं होती। इन्होंने भी मुकम्मल तौर पर मौसिकी को छोड़कर एक नातख्वां की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह के बताए हुए राहों पर नेक काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे हैदराबाद के मशहूर व मारूफ और उभरते हुए रैप सिंगर रूहान अरशद, जिन्होंने अपनी रैपिंग से कई लोगों को इंस्पायर किया था, उन्होंने भी एक बहुत और बेहतरीन बड़ा फैसला किया है। उन्होंने हराम दुनिया और नाच गाने को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहने का बेहतरीन फैसला लिया है। रूहान अरशद के इस फैसले के पीछे क्या राज है, ये तो बस वही जानते हैं और उन्होंने आगे इस बात को अपने व्यूवर्स से शेयर करने का वादा भी किया है। लेकिन यही कहेंगे हम कि देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह इन्हें अपने इस बेहतरीन फैसले पर इस्तेकामत बनाए रखने की तौफीक अता फरमाए और दोबारा उन हराम चीजों की तरफ और उसकी लत की तरफ इन्हें लौटने से महफूज रखे। अल्लाह ऐसे अपने हर गुमराह बंदे के दिल में हिदायत डाले कि वो अल्लाह करीम की बताए हुए रास्ते पर चलकर ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब व सरफराज रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ करते हैं कि इस नाच गाने में इंस्पायर होने वाले नौजवान इनकी इस तरह के बेहतरीन फैसले से भी इंस्पायर होकर वो भी हराम कामों और नाच गानों से तौबा करके उन कामों को छोड़कर नेक काम करने के लिए आगे आए। आइए सुनते हैं रूहान अरशद की जबानी पूरी कहानी। मैं आज वो बिग न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ, जो बिग न्यूज मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं एक बिग न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मतलब ये नहीं बोला था कि कहाँ पे अपलोड करूंगा, कहाँ पे मैं ये चीज अनाउंस करूंगा, पर मैं यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करना बेहतर समझा तो मैं यूट्यूब चैनल पे आ गया मेरे, और मैं ये आप सभी व्यूवर्स के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि वो बिग न्यूज क्या है। वो बिग न्यूज से मैं बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को थोड़ी भी ये महसूस नहीं हुई कि अरे क्या होता ये बिग न्यूज अगर मैं अनाउंस करा तो बोल के, बस कुछ भी नहीं सोचा मैं, बस लाए मेरे लिए बोल के बस ये इरादा कर लिया चाहे कुछ भी हो जान दो। और ये बिग न्यूज ये है कि मैं पूरे के लिए कम्प्लीटली म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं अब से, और म्यूजिक के रिलेटेड जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं रोकूंगा अपने आप को कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। और मेरे को बेहतर मैं जानता था कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में, बस मेरा एक पैशन था, मेरा एक जुनून था कि ये चीज करना, अरे मेरे को ये चीज बनना है बोल के, बस अल्लाह का करम था। और आप भी बेहतर जानते हो और मैं मेरे को भी मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ से यहाँ पे लाया सर। मतलब मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री में को इतना मुकाम दिया, इतनी कामयाबी दिया, और मेरे को अल्लाह पे भरोसा है और इंशाल्लाह ये चीज रोकने के बाद मेरे को अल्लाह ताला कुछ अलग मुकाम देगा,
कुछ अलग जरिए से मेरे को हलाल तरीके से मेरे को कामयाब भी देंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरे को अल्लाह पे पूरा भरोसा है और ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ छोड़ के भी। मैं ये डिसीजन से भी बहुत खुश हूँ। मेरे घर वालों को भी मैं बता दिया कि मेरे वालदा को वालिद सबको बताने पर मेरे वालदा को मैं बोल दिया था कि मैं ये चीज़ छोड़ दे रहा हूँ अम्मी बोल के। क्योंकि क्यों छोड़ रहा हूँ इसकी वजह रीज़न क्या है ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और मेरे को आप लोग से मैं कनेक्ट रहूँगा। यूट्यूब को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। यूट्यूब में मेरी बहुत मेहनत है मेरी। बस म्यूज़िक हराम जो चीज़ है हाँ मैं अब तक कर लेते हुए आ रहा था, ये चीज़ मैं छोड़ दिया। अभी मैं म्यूज़िक वीडियोस नहीं बनाऊंगा। दिस इज़ ये मेरा आखिरी फैसला है। और शायद ये हो भी सकता कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी है कि मेरे को हिदायत मिल रही हो या फिर हिदायत जो भी है इंशाल्लाह मिल जाएंगे इंशाल्लाह वो भी। और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मायने रखता और ये डिसीजन से मैं खुश हूँ। और आप लोग भी इस डिसीजन से मेरे सहमत होंगे। अल्लाह पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे को कुछ और ज़रिए से कामयाबी हासिल होगी जिसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल होगी। और आप सब मेरे को साथ दीजिए। जो अल्लाह माफ़ करे, जब मैं म्यूज़िक बनाता था तो जैसा आप लोग मेरे को सपोर्ट करे थे वैसे ही मेरे को इस डिसीजन लेने के बाद जो भी मैं करूँगा यूट्यूब पे उस चीज़ पे मेरे को आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे और मेरे इस डिसीजन से खुश रहेंगे। मैं मेरे को देख के लोग आए जो रैपर बन के, अब मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो मैं फेमस होने के बाद अरे इन्हें बना मैं भी बन सकता हूँ, बल्कि जो उन लोगों का टैलेंट किसी और में था तो उन लोग अपना जहन चेंज कर लेके जो आके गाने लिखते गए रैपिंग करते गए जो डालते गए यूट्यूब पे, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो मेरे को देख के इंस्पायर होके, जो मेरे को देख के मोटिवेट होके अरे बंदा बना अपन भी बन सकते हैं, बल्कि जो लगान ले लेके जो बंदे बना रहे सॉन्ग्स उन लोगों से भी अदबन रोक दो, बेहतर है आप लोग के लिए भी। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं क्यों म्यूज़िक फील्ड छोड़ दिया और उसके पीछे का रीज़न क्या है, राज क्या था, इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूं यूट्यूब पे जिससे मैं आप लोग से कांटेक्ट में रहूं, जिससे आप लोग से मैं टच में रहूं। और इंशाल्लाह अपन आगे बहुत काम करेंगे यूट्यूब पे, इंशाल्लाह करेंगे तो सिर्फ हलाल करेंगे, हराम नहीं। और दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को जितना होता उतना शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं बस ये उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों से कि आप लोग मेरे को बेइंतहा सपोर्ट करेंगे इस डिसीजन से और खुश होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ, सीरियसली बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है कि बहुत खुश हूँ मैं इस डिसीजन से। इंशाल्लाह मैं अब से वीडियोस बनाऊंगा या व्लॉगिंग करूँगा, जो भी करूँगा इंशाल्लाह इस्लाम के, इस्लाम में जो हराम है वो चीज़ को मैं दूर रखते हुए करूँगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ टच में रहूँगा। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूँ आप लोगों के साथ। मैं पहले सॉन्ग्स बना के टच में रहता था, मतलब जो आप लोग सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट से मैं सॉन्ग्स बनाता था। अब ऐसा सपोर्ट करिए मेरे को जिससे मैं भी नाउम्मीद ना हो और मैं भी मायूस ना हो, मेरे को एक भरोसा रहे अरे अल्लाह ताला भी है मेरे साथ, ये पब्लिक भी है जो मेरे को देख रही और मेरे को सपोर्ट कर रही। और इंशाल्लाह अपन बहुत काम करेंगे, बहुत बताएंगे यूट्यूब चैनल पर मेरे जो अब इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे को कुछ आइडियाज देंगे कमेंट्स में, मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं आप लोग मेरे को हर दम देखते रहे, हर हफ्ते देखते रहे, हर रोज देखते रहे। पर मैं ये आखिरी बात बोल के ये वीडियो को ख़त्म करना चाह रहा हूं। और मैं अगर कुछ कम बोल दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं बहुत नर्वस भी हूँ, पहली बार इतनी देर कैमरे के सामने बात कर रहा आप लोगों के साथ। और मैं इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का राज क्या है कि मैं क्यों छोड़ा म्यूज़िक फील्ड, मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग
इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मैं कुछ सीरियसली अगर मैं कुछ गलत बोल दिया, कुछ कम बोल दिया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे को सपोर्ट करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।